यार मैं रोहित त्रिपाठी की सोलर पैनल्स वाली वीडियो से बहुत खुश हूँ। ऐसा क्या था उसमें? जब से मैंने घर में सोलर पैनल्स लगवाए हैं तब से मेरी सेविंग्स भी बढ़ गई है और इन्वेस्टमेंट भी। सच्ची? ये तो बहुत सही है। बट अब मुझे लग रहा है कि मुझे उन कंपनीज में भी इन्वेस्ट करना चाहिए जो रीन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड हैं। सोच तो सही है तेरी, बट ऐसी कौन सी कंपनीज हैं? नमस्ते एवरीवन। रीन्यूएबल एनर्जी इंडिया और पूरे वर्ल्ड का फ्यूचर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। ग्लोबल कमिटमेंट्स एंड एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन के रीजन से हमें कोल और फॉसिल फ्यूल्स पे अपनी डिपेंडेंस कम करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंडिया कोल पे अपनी डिपेंडेंस कम क्यों करना चाहता है। क्या हमारे देश में कोल माइंस की कमी है? बिल्कुल भी नहीं। आज इंडिया में इतना कोयला है कि इसे 111 साल लग जाएंगे ख़त्म होने में। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री ये चाहेगी कि उसके नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक रहे एंड फ्यूचर जनरेशंस भी उसका फ़ायदा उठा सकें। और रही बात पेट्रोल या क्रूड ऑयल की, तो उसके लिए इंडिया टोटली इम्पोर्ट डिपेंडेंट है। इनफैक्ट इस फाइनेंशियल ईयर के सिर्फ पहले 6 महीने में इंडिया 63 बिलियन डॉलर्स यानी 5 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा खर्च कर चुका है सिर्फ ऑयल इंपोर्ट्स पे। इनफैक्ट इंडिया की एनुअल इंपोर्ट्स में सबसे बड़ा शेयर है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, जो हमारे ओवरऑल इंपोर्ट्स का 26% हिस्सा है। ऐसे में एक कंट्री अपनी पेट्रोलियम पे डिपेंडेंसी कम करना तो डेफिनेटली चाहेगी। सेकेंडली, मल्टीपल रिपोर्ट्स एंड स्टडीज के अकॉर्डिंग धरती पे पेट्रोल सिर्फ 50 साल तक के लिए ही रहने वाला है। अब ये कितना एक्यूरेट है इससे फिलहाल हमें कोई ज्यादा मतलब नहीं। हमारा फोकस उन कंपनीज पे है जो पेट्रोलियम अल्टरनेटिव्स एंड उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे फोकस कर रही हैं। तो ये थे कुछ मेन रीजंस जिनकी वजह से आज इंडियन गवर्नमेंट और ग्लोबल गवर्नमेंट्स चाहती हैं और काम भी कर रही हैं रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने में। तो ऐसे में कौन से स्टॉक्स हैं जो इसका सबसे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं? तो अब मैं आपसे उन स्टॉक्स की लिस्ट शेयर करता हूं। लेकिन ये आपके लिए कोई फाइनेंशियल एडवाइस या स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। कुछ स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट हैं एंड कुछ बहुत जल्द बन सकते हैं। किसी में भी इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करना। इस लिस्ट की पहली कंपनी है बोरोसिल रिन्यूएबल्स। बोरोसिल नाम सुन के आपके माइंड में केमिस्ट्री लैब में यूज होने वाले ग्लास बीकर्स आ गए हों शायद। लेकिन यहां बात हम एक अलग कंपनी की कर रहे हैं जो ओवरऑल बोरोसिल ग्रुप का ही पार्ट है। ये इंडिया की इकलौती और सबसे बड़ी कंपनी है जो सोलर ग्लास बनाती है। सोलर पैनल्स की कंस्ट्रक्शन में सोलर ग्लास एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इस सेगमेंट में बोरोसिल रिन्यूएबल्स का कोई सिग्निफिकेंट कॉम्पिटिटर भी नहीं है। इसलिए इस कंपनी के प्रॉफिट्स और ग्रोथ इंडिया के ग्रोइंग सोलर पैनल इंडस्ट्री से कोरिलेटेड रहेंगे हमेशा। मेरे अकॉर्डिंग इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का ये एक अच्छा टाइम है, क्योंकि ये स्टॉक पिछले एक साल में 20% नीचे आ चुका है और ये अपने ऑल टाइम हाई से आज लगभग 45% नीचे है। कंपनी का हाई पीई रेशियो जो 176 है, अभी शायद आपको एक रेड फ्लैग लगेगा, बट मेरे अकॉर्डिंग ये रेड फ्लैग बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पीई रेशियो बनता है मार्केट प्राइस को पिछले एक साल के ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर से डिवाइड करने पर। और लास्ट टू लास्ट क्वार्टर कंपनी के लिए एक लॉस मेकिंग क्वार्टर था, जिस वजह से ईपीएस रिड्यूस हो गया और पीई रेशियो इतना हाई पहुंच गया। अगर ये रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक अगले 3 क्वार्टर्स में प्रॉफिटेबल रहता है तो पीई रेशियो दोबारा नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। कंपनी का कंसिस्टेंटली बढ़ता हुआ रेवेन्यू एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है फ्यूचर ग्रोथ के लिए। इन सभी रीजंस की वजह से बोरोसिल रिन्यूएबल्स मेरे वॉचलिस्ट में है और मैं इस स्टॉक में अपनी पोजीशंस बहुत ही जल्द बिल्ड करने वाला हूं। इस लिस्ट में जो अगला स्टॉक है वो आज अपने ऑल टाइम हाई पर ऑलरेडी पहुंच चुका है और मैं बात कर रहा हूं टाटा पावर के बारे में। अगर आप मेरे चैनल के एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हो तो आप ऑलरेडी जानते हो कि मैं टाटा पावर में एक इन्वेस्टर हूं एंड स्टॉक को सपोर्ट भी करता हूं। टाटा पावर इंडिया की लीडिंग पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक है। हालांकि थर्मल पावर जनरेशन टाटा पावर के रेवेन्यू के मेजर सोर्सेज में से एक है, लेकिन कंपनी अग्रेसिवली अपने आप को रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रही है और इस कंपनी का ऐसा करने के लिए एक वेल स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड रोडमैप भी है 2050 तक।
टाटा पावर रूफटॉप सोलर्स एंड ईवी चार्जिंग स्टेशंस में बहुत अग्रेसिव ग्रोथ शो कर रही है, जो इन्हें एक लॉन्ग टर्म एडवांटेज भी दे सकता है। कंपनी की फुल फंडामेंटल एनालिसिस देखने के लिए आप मेरी वीडियो जो मेरे चैनल पे अवेलेबल है देख सकते हो और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल टाटा पावर ऑल टाइम हाई पे है, इस वजह से ज्यादा अग्रेसिवली इसमें इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता, बट स्लोली स्लोली पोजिशंस बिल्ड की जा सकती हैं और मैं कर भी रहा हूं। इस लिस्ट की थर्ड कंपनी है सनरन इंक। ये कंपनी यूएस स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है एंड यूएस में ही ऑपरेट भी करती है। इनके दो मेजर बिजनेस सेगमेंट्स हैं, रेजिडेंशियल सोलर पैनल और एनर्जी स्टोरेज। इनका सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस मॉडल बहुत ही पॉपुलर और सिंपल भी है। ये आपके घर पे सोलर पैनल इंस्टॉल करेंगे एंड फिर आपको एक सब्सक्रिप्शन मॉडल से 20 से 25 साल तक एक लो कॉस्ट पे इलेक्ट्रिसिटी सेल करेंगे। इसमें कस्टमर्स का फायदा है कि उनको सोलर पैनल की इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस इसकी कॉस्ट का ध्यान नहीं रखना पड़ता एंड उनकी इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा अगले 25 सालों के लिए एकदम फिक्स हो जाता है। आज कंपनी का स्टॉक 30% से ज्यादा डाउन आ चुका है पिछले एक साल में एंड एक रीजनेबल प्राइस पर भी अवेलेबल है। इस स्टॉक को जेफरीज ने रिसेंटली बाय रेटिंग भी दी है, जिस वजह से पिछले एक हफ्ते में यह स्टॉक सडन जंप शो कर चुका है। एक फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री का पार्ट होने की वजह से कंपनी अपने रिवेन्यूज को तो बहुत अग्रेसिवली एंड कंसिस्टेंटली ग्रो भी कर रही है। इनफैक्ट पिछले 5 साल में कंपनी का रिवेन्यू $750 मिलियन से $2.3 बिलियन पे पहुंच चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर हैवी होने की वजह से कंपनी पे आज हाई डेट है एंड इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 1.5 है, जो ऑलमोस्ट सारी सिमिलर कंपनीज के लिए ट्रू है। बट पॉजिटिव बात यह है कि कंपनी अपने डेट को मैनेज कर पा रही है इनका, और इनका कैश फ्लो पिछले एक क्वार्टर में पॉजिटिव भी रहा है। क्या इस कंपनी के पास ग्रोथ पोटेंशियल है? बिल्कुल है। ये तो कंपनी ने अपने रिवेन्यू को कंसिस्टेंटली इंक्रीज करके खुद ही प्रूव कर दिया है। बट यूएस में वैसे भी आज की डेट में रूफटॉप सोलर कवरेज सिर्फ 5% है, जो बाकी डेवलप्ड कंट्रीज जैसे जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया के कंपैरिजन में 1/4 से भी कम है। यूएस में पिछले काफी टाइम से इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं एंड लास्ट ईयर तो ऑलमोस्ट 14% से बढ़ चुके हैं। अब यूएस जैसी कंट्री जहां एवरेज इन्फ्लेशन सिर्फ 2% के नीचे रहता है, वहां इतना सडन इंक्रीज डेफिनेटली लोगों को फोर्स करेगा चीपर ऑल्टरनेटिव्स के लिए एंड यहां पर सनरन एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। यूएस स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने की वजह से इसमें डायरेक्ट इन्वेस्ट करने के लिए इंडियन इन्वेस्टर्स को वेस्टेड, आईएनडी मनी या ग्रो के थ्रू एक यूएस ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। आई होप ये वीडियो आपको अभी तक इंटरेस्टिंग लगी हो। रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स की लिस्ट का पार्ट 1 यहां पे होता है खत्म। पार्ट 2 वीडियो मेरे चैनल पे बहुत जल्द आने वाली है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पार्ट 2 में आपको सूजलोन या अडानी ग्रीन जैसे स्टॉक्स का नाम सुनने को मिलेगा, वो बिल्कुल गलत है। मैं फिलहाल इन दोनों स्टॉक्स के अगेंस्ट हूं। अगर आपके कोई फेवरेट रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स हैं जो आप चाहते हो मैं कवर करूं तो कमेंट्स में जरूर बताना। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा। जय हिंद।